हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी हॉरर शो। अगर आपने अब तक गट्टू बट्टू वर्सेस साइरन हेड पार्ट वन नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए। जैसे कि हमने पार्ट वन में देखा कि गट्टू और बट्टू अपने घर पर आराम से बैठकर बातें कर रहे थे, पर उसी वक्त उनके घर से काफी दूर संजू रात के अंधेरे में अपने घर की ओर आगे बढ़ रहा था। पर वहां उसने देखा कि शहर पर तो ज़ॉम्बियों ने अटैक कर दिया था। यह देख संजू ने गट्टू और बट्टू को कॉल किया और संजू की ये बातें सुन गट्टू और बट्टू शहर की ओर निकल गए। अब आगे जैसे ही गट्टू और बट्टू शहर में आए कि उन्होंने सबसे पहले संजू को कॉल किया, पर गट्टू और बट्टू को ये कहाँ पता था कि संजू एक कोने में छुपा हुआ था और वहाँ से चार जॉम्बीज संजू के पास से गुजर रहे थे। उसी वक्त गट्टू और बट्टू का कॉल आया। फोन की घंटी की आवाज सुनकर संजू बहुत ही घबरा गया था। चार जॉम्बीज ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो पीछे तो संजू खड़ा था। वो चारों एक साथ संजू की ओर आगे बढ़े। ये देख संजू वहां से भागने लगा। और इधर गट्टू ने बट्टू से कहा कि एक तो हमें संजू की हेल्प करने आए हैं और ये सलाह मेरा फोन नहीं उठा रहा है। गट्टू ने फिर से संजू को कॉल करने की कोशिश की। पर जिस वक्त संजू के फोन पर रिंग बज रही थी, उस वक्त संजू अपनी जान बचाकर जॉम्बियों से बचकर भाग रहा था। पर इधर गट्टू बहुत ही गुस्सा हो गया था क्योंकि संजू ने दूसरी बार उसका फोन नहीं उठाया था। बट्टू ने कहा, गट्टू हम कब से शहर में घूम रहे हैं, हमें तो कोई जॉम्बी नहीं दिखा। मुझे लगता है संजू ने हमें परेशान करने के लिए फोन किया था। गट्टू ने कहा, हाँ बट्टू तुम्हारी बात सही है, साले को मैं छोड़ूंगा नहीं। बट्टू ने कहा, चलो यार चलते हैं अपने घर। गट्टू ने कहा, हाँ बट्टू एक काम करो, गाड़ी को घुमा लो। पर जैसे ही बट्टू ने कार घुमाई कि तभी संजू का फोन आया। गट्टू ने कहा, अरे ये तो संजू का फोन है। गट्टू ने जब संजू का फोन उठाया उस वक्त संजू भाग रहा था। गट्टू ने बहुत ही गुस्से से संजू से कहा, साले तूने हमसे झूठ क्यों कहा, शहर में तो कोई ज़ॉम्बीज नहीं है। और तभी संजू ने घबराती हुई आवाज में सिर्फ इतना ही कहा, पीछे देखो तुम दोनों के लिए मैं कुछ तोहफा ला रहा हूँ। गट्टू ने कहा, क्या तोहफा है आखिर। पर जब गट्टू ने पीछे मुड़ के देखा कि संजू भागते हुए गट्टू और बट्टू की ओर आ रहा था। पर ये क्या, संजू अकेला नहीं था, संजू के पीछे कुछ ज़ॉम्बीज भी थे। गट्टू ने बट्टू से कहा, बट्टू गाड़ी चालू कर, संजू तो कुछ बहुत ही बड़ा तोहफा लेकर आ रहा है पीछे। और फिर गट्टू और बट्टू अपनी गाड़ी को चालू कर आगे आगे निकलने लगे और पीछे संजू भागते हुए उनकी ओर आ रहा था। और थोड़े ही आगे बढ़ते ही संजू गट्टू और बट्टू की गाड़ी के पास आ गया था। थोड़े ही पास आते ही संजू ने एक छलांग मारी कि संजू गट्टू और बट्टू की गाड़ी में आकर गिरा। पर पीछे तो सारे ज़ॉम्बीज गट्टू बट्टू और संजू के पीछे ही आ रहे थे। ज़ॉम्बीज को पीछे आते देख बट्टू ने अपनी गाड़ी को फुल रेस में आगे भगाई। पर यह क्या, थोड़े ही आगे बढ़ते ही बट्टू ने अपनी गाड़ी को रोक दिया। तुके गाड़ी रोकते ही संजू और गट्टू ने एक ही सवाल पूछा, अबे साले तूने गाड़ी क्यों रोक दी। बट्टू ने उन दोनों के सामने देखा और आग की तरफ एक इशारा किया। और जब गट्टू ने आगे देखा तो आगे भी चार ज़ॉम्बीज खड़े थे। और संजू ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी चार ज़ॉम्बीज खड़े थे। घबराती हुई आवाज में सिर्फ इतना ही कहा, पीछे देखो तुम दोनों के लिए मैं कुछ तोहफा ला रहा हूँ। गट्टू ने कहा, क्या तोहफा है आखिर। पर जब गट्टू ने पीछे मुड़ के देखा कि संजू भागते हुए गट्टू और बट्टू की ओर आ रहा था। पर ये क्या, संजू अकेला नहीं था, संजू के पीछे कुछ ज़ॉम्बीज भी थे। गट्टू ने बट्टू से कहा, बट्टू गाड़ी चालू कर, संजू तो कुछ बहुत ही बड़ा तोहफा लेकर आ रहा है पीछे। और फिर गट्टू और बट्टू अपनी गाड़ी को चालू कर आगे आगे निकलने लगे और पीछे संजू भागते हुए उनकी ओर आ रहा था।
और थोड़े ही आगे बढ़ते ही संजू गच्चू और बट्टू की गाड़ी के पास आ गया था। थोड़े ही पास आते ही संजू ने छलांग मारी कि संजू गच्चू और बट्टू की गाड़ी में आकर गिरा, पर पीछे तो सारे ज़ॉम्बीज गट्टू बट्टू और संजू के पीछे ही आ रहे थे। ज़ॉम्बीज को पीछे आते देख बट्टू ने अपनी गाड़ी को फुल रेस में आगे भगाई, पर यह क्या, थोड़े ही आगे बढ़ते ही बट्टू ने अपनी गाड़ी को रोक दिया। बट्टू की गाड़ी रोकते ही संजू और गट्टू ने एक ही सवाल पूछा, अबे साले तूने गाड़ी क्यों रोक दी। बट्टू ने उन दोनों के सामने देखा और आग की तरफ एक इशारा किया, और जब गट्टू ने आगे देखा तो आगे भी चार ज़ॉम्बीज खड़े थे, और संजू ने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे भी चार ज़ॉम्बीज खड़े थे। संजू ने घबराते हुए कहा, अबे यार हमें तो ज़ॉम्बीज़ों ने घेर लिया है। गट्टू ने बट्टू के सामने देखा और सिर्फ इतना ही कहा, बट्टू आर यू रेडी। रेडी रेडी पर किसके लिए, गट्टू ने संजू को कहा, अपनी कुर्सी को कस कर पकड़ लेना। गट्टू और बट्टू ने एक दूसरे के सामने कुछ देर तक देखा और फिर इतनी स्पीड से कार चलाई कि चारों ज़ॉम्बीज चारों खाने चित हो गए थे। ये देख संजू बहुत ही खुश हो गया था। संजू ने कहा, वेल डन बट्टू यार। पर बट्टू ने कहा, संजू अभी नहीं, अभी तो और ये आगे चार ज़ॉम्बीज भी बाकी हैं। और बट्टू ने अपनी कार घुमाई और उन चार ज़ॉम्बीजों के सामने कर दी। संजू ने कहा, भाई थोड़ा संभल कर। और बट्टू ने फुल स्पीड से अपनी कार उन चार ज़ॉम्बीजों की ओर भगाई, और वो चार ज़ॉम्बीज भी शायद डर गए थे क्योंकि बहुत ही स्पीड से एक कार उनकी ओर आ रही थी। बट्टू ने भी अपनी कार इतनी स्पीड से उन चार ज़ॉम्बीज़ों के ऊपर से ले ली, वो चारों ज़ॉम्बीज़ भी चारों खाने चिट हो गए थे। ये देख संजू गट्टू और बट्टू बहुत ही खुश हो गए थे। इन्हें लगा कि ये सारे ज़ॉम्बीज अब मर गए हैं, शहर पर से अब ज़ॉम्बीज़ों का खतरा टल गया है। पर ये क्या, संजू गट्टू और बट्टू ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कुछ बड़ा सा एक जहाज उनकी ओर आ रहा था। गट्टू ने कहा, बट्टू मुझे लगता है ये तो कुछ एक तरह का यूएफओ है। पर अब ये क्या हो रहा था, यूएफओ के आते ही सारे ज़ॉम्बीज को होश आ गया और अब धीरे धीरे कर सारे ज़ॉम्बीज खड़े हो रहे थे। ये देख वो तीनों बहुत ही डर गए, पर अब असली खतरा तो अब आने वाला था क्योंकि यूएफओ में से निकला है साइरन हेड। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, गट्टू बट्टू और संजू अपनी जान बचाकर साइरन हेड के जंगल में से बाहर निकल सकेंगे? प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताना, और आगे की स्टोरी जानने के लिए द हॉरर शो को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।